Hello friends, welcome to Sri Learning Lifetime. Like, subscribe and don't forget to hit bell icon. Hi viewers, hope you all are doing good. So, आज हम बात करेंगे function sum के बारे में. So, basically sum होता क्या है और इसको किसके लिए use किया जाता है. So, ये जो sum function है वो हम total करने के लिए use करते हैं. इसे हम horizontally और vertically दोनों तरीके से use कर सकते हैं. जो सम होता है उसे आप सिंगल सेल में भी यूज कर सकते हो और आप उसे रेंज वाइज भी यूज कर सकते हो. आज की डेट में कुछ लोग सम को सही तरीके से यूज नहीं करते हैं. अगर इससे मेरा कहने का मतलब ये है कि हम फंक्शन सम को भी यूज कुछ लोग फंक्शन सम को भी यूज कर करते हैं और उसके साथ प्लस साइन भी यूज कर रहे होते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोज 11 में देखोगे तो यहाँ पे कुछ लोग इसको इस तरीके से यूज करते हैं कि इक्वल्स टू सम ओपन ब्रैकेट जो भी आपके सेल होंगे उसमें प्लस साइन करेंगे और फिर वापस उस सेल को फिर प्लस साइन करेंगे, विच इज रॉन्ग. क्योंकि या तो हम सिर्फ प्लस साइन यूज करें या फिर हम सिर्फ सम फंक्शन यूज करें तो ही वो सही होता है. मेरे कहने का मतलब है, जैसे अगर आप 16th रो में देखते हो, उसको हमने कैसे किया है, इक्वल्स टू सम ओपन ब्रैकेट जो भी आपका रेंज है C48 टू C50. ये एक सही तरीका है आपको सम फंक्शन यूज करने का एक्सेल में. या तो फिर दूसरा तरीका है इक्वल्स टू C48 प्लस C49 प्लस C50, राइट. अब हम बात करेंगे सिंटेक्स के बारे में. सो ये सिंटेक्स होता क्या है? सिंटेक्स ये होता है जो आपको बताता है कि आप किसी फॉर्मूला को लिखते कैसे हो. जैसे आप यहाँ देख सकते हो 20th रो पे कि अगर आपको एक सम फंक्शन लिखना है तो उसको हम लिखते हैं इक्वल्स टू सम ओपन ब्रैकेट रेंज 1 रेंज 2 कमा रेंज 3 क्लोज ब्रैकेट. अब हम इस सम को एक्सेल में समझने की कोशिश करते हैं. जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि अगर हम उसे हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं, वर्टिकली भी कर सकते हैं, सिंगल सेल वाइज भी यूज कर सकते हैं और मल्टीपल रेंजेस में भी यूज कर सकते हैं. सो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारा C24 सेल बोलता है 100, 200 एंड 300. तो अगर हमें इसे सम करना है तो इसके लिए हम करेंगे इक्वल्स टू सम ओपन ब्रैकेट राइट. तो हमारे यहाँ पे आंसर है 600. अगर हम इसको वर्टिकली बोले तो इसको करते हैं इक्वल्स टू सम ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एंटर. सो यहाँ पे भी आपका आंसर है 600. अगर हम सिंगल सेल की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम एक सिंगल अगर कोई चीज़ अलग अलग जगह पे प्लेस्ड है, अलग अलग सेल पे प्लेस्ड है, तो हम उसको कैसे ऐड कर रहे हैं. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू सम ओपन ब्रैकेट हम इस पर्टिकुलर एक सेल को सेलेक्ट करेंगे कमा, फिर हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे कमा, फिर हम थर्ड सेल को सेलेक्ट करेंगे और क्लोज ब्रैकेट करेंगे एंटर. तो आपका आंसर है 600, करेक्ट. नाउ अगर हम बात करते हैं मल्टीपल रेंजेस को हम कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं. मल्टीपल रेंज मतलब क्या होता है, मतलब अगर हमें पूरा 37 से लेके 39 इनको पूरा सेलेक्ट करना है प्लस हम 400 टू 600 इसे भी सेलेक्ट करना, तो इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे. सो इसके लिए हम करेंगे इक्वल टू सम ओपन ब्रैकेट, हम पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे कमा, फिर हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे क्लोज ब्रैकेट एंटर. सो आपका आंसर है 4800. सो आई थिंक आपको इस एग्जांपल से समझ में आया है कि ये सम को हम कैसे यूज कर सकते हैं. कहने के लिए तो ये बहुत ही छोटी सी चीज है, बट अगर समझ लीजिए कि आपके पास वैल्यूज बहुत ज्यादा है तो इस सम फंक्शन से आप 100 नंबर्स को भी आप ऐड कर सकते हो. ओके, सो होप आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. सो डू नॉट मिस टू लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन. थैंक यू.